आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 13,225 पहुंच गया है, वहीं 178 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। सावधान, राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी जनपदों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज फिर कई जनपदों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि हल्द्वानी और हरिद्वार में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81.63 रुपये, वहीं आज के दाम है 81.96 रुपये। डीजल के कल देहरादून में दाम थे 73.84 रुपये, वहीं आज के दाम है 74.09 रुपये। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 80.98 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 73.45 रुपये। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 81.40 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 73.65 रुपये। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। आज शहीद राजेंद्र नेगी का अंतिम संस्कार। आज शहीद राजेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित सेना के अफसर जवान को यहां सलामी देंगे। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार ले जाया जाएगा। रविंद्र जुगरान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज संगठन के तहत बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वह जन मुद्दों को उठाएंगे। पत्रकारों से मुखातिब होंगे मदन कौशिक। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक आज राजधानी देहरादून में रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद पत्रकारों को संबोधित भी करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस द्वारा देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का ऐलान करेंगे पीएम मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान करेंगे। इस सर्वेक्षण में 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड और गंगा नदी के किनारे स्थित 92 नगरों के सर्वेक्षण में 1.87 करोड़ नागरिकों ने भागीदारी की है। इस दौरान पीएम मोदी सफाई कर्मियों से भी रूबरू होंगे। पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन NH9 समेत 41 सड़कें बंद, हजारों यात्री फंसे। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते जिले की 40 से ज्यादा सड़कें बाधित हैं। जिले की लाइफलाइन कहा जाने वाला घाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। इससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चमोली में छठे पड़ाव चेपड़ो पहुंची नंदा देवी लोकजात यात्रा। 14 अगस्त को कुरूर से शुरू हुई नंदा देवी लोकजात यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर अपने छठे पड़ाव चेपड़ो पहुंच गई है। पूजा के बाद यात्रा के थराली पहुंचने पर ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। लक्सर, महिला ने अपनी और अपने पति के लिए मांगी सुरक्षा, जानिए पूरा मामला। लक्सर के गांव सेठपुर में रहने वाली महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए अपनी और अपने पति की जान को खतरा बताया है, साथ ही अपने परिवार के लिए सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण, हालत और बिगड़ी। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य में गिरावट आई है। अस्पताल ने बताया कि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, जिसके बाद हालत और बिगड़ गई है। कोविड-19 वैक्सीन को आपात मंजूरी संभव, सरकार फैसला करे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक शीर्ष अधिकारी ने एक संसदीय समिति में कहा है कि देश में विकसित किए जा रहे कोविड-19 रोधी दो टीकों के दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण लगभग पूरा हो गया है। भारत बायोटेक और कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे टीकों का दूसरे चरण का परीक्षण लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में ICMR ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसला करने पर किसी टीके को आपात मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। केदार घाटी में बारिश से मची तबाही, गदेरे के तेज बहाव की चपेट में बहे मशीनें और कार। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। भारी बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन भी हो सकता है, लिहाजा तरकते पहाड़ यहां बड़ी तबाही ला सकते हैं। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से हालात बंद से बदतर होते जा रहे हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की पहल पर नीम शक्ति अभियान की शुरुआत। इस अभियान के तहत विश्वविद्यालय में एक वृक्ष एक छात्र का नारा देकर सभी छात्रों को एक नीम का वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया है। पुलिस विभाग में जल्द शुरू होगी कांस्टेबल की भर्ती।
पुलिस विभाग में जल्द ही कांस्टेबलों की भर्ती शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय इसकी तैयारी कर रहा है। कांस्टेबल में दरोगा तक के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तुरंत बाद नई भर्तियां होंगी। इन दिनों मुख्यालय पुलिस कर्मियों की भर्ती की तैयारी में लगा है। हाल में शासन ने यातायात पुलिस कर्मियों के 312 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इसके अलावा सिविल पुलिस में करीब 1500 पद रिक्त हैं। करीब 1000 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के प्रमोशन होने के भी पद खाली होंगे। कुंभ को बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरत होगी। ऐसे में मुख्यालय दिसंबर तक भर्ती कराना चाह रहा है। हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को खोले जाएंगे। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे खोले जाएंगे। जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्री केदार हाईवे बंद, गंगा चेतावनी निशान के पार। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मलबा बोल्डर आने से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे समेत राज्य भर में 230 से अधिक सड़कों पर आवाजाही बाधित हो गई है। उधर हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा चेतावनी निशान से ऊपर बह रही है। सभी भर्तियों की एक परीक्षा। सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। NRE कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। ग्रुप बी और सी की भर्ती से इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएगी। बस किराया होगा कम, यात्री बैठेंगे ज्यादा। प्रदेश में परिवहन निगम व अन्य यात्री बसों का किराया कम करने के साथ ही सवारी बैठने की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। बुधवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण कम होने तक अंतरराज्य बस सेवाओं को स्थगित रखा जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव ने बसों का सितम्बर तक का टैक्स माफ करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। केजरीवाल का ऐलान, उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी इस सप्ताह उत्तराखंड को सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने जा रही है। डेढ़ माह पहले राज्य में कराए गए एक सर्वेक्षण के नतीजों से उत्साहित होकर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को कर्मभूमि बनाने का मन बनाया है। दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो गिरफ्तार होंगे विधायक। DIG द्वाराहाट के विधायक पर लगे आरोपों और महिला के खिलाफ मुकदमे की जांच के लिए अब जांच अधिकारी बदल दिया गया है। दोनों मामलों की जांच अब CO सदर करेंगे। DIG अरुण मोहन जोशी का कहना है कि यदि दुष्कर्म की पुष्टि होती है तो विधायक को गिरफ्तार किया जाएगा। इग्नू कोर्स में आवेदन की तिथि 31 तक बढ़ी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त VV के जुलाई सत्र में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ गई है। लुमती में बारिश से होटल और दुकान मलबे से पटी। सीमांत जनपद में आफत की बारिश ने तबाही मचाई है। जनपद में भारी बारिश के बाद सरयू नदी पहली बार इस वर्षा काल में चेतावनी निशान को पार कर गई है। आफत की बारिश से लुमती में एक होटल व एक दुकान में भारी मात्रा में मलबा घुसने से काफी नुकसान पहुंचा है। वहां सड़क पर खड़ी एक बाइक भी बारिश में बह गई। एक जीप को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है। मवानी दबानी में एक आवासीय मकान ध्वस्त हो जाने से पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। सेना का साथ देने को तैयार बॉर्डर के बशिंदे। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले भारत चीन सीमा से लगे हैं। पिथौरागढ़ में ही धारचूला और मुनस्यारी में 21 से अधिक गांव बसे हुए हैं। ये सभी सीमा के सशक्त प्रहरी की तरह हैं। स्कूल बंद और मनमानी फीस हम नहीं देंगे। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों में फीस मांगे जाने को लेकर बढ़ रहे दबाव के बीच रुद्रपुर के 12 विभिन्न संगठनों से जुड़े कई पदाधिकारी और सदस्य अभिभावक संघ के बैनर तले लामबद्ध हो गए हैं। आंदोलनरत लोगों ने साफ कहा है कि स्कूलों का संचालन बंद है और कोरोना की वजह से हर वर्ग की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। इसके बाद भी निजी स्कूलों की ओर से फीस के लिए विभिन्न माध्यमों से दबाव बनाया जा रहा है। वहीं स्कूलों ने ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी कर दी है। आंदोलनरत संगठनों के लोगों का कहना है कि स्कूलों को कोरोना काल में नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना होगा। सिर्फ स्कूल स्टाफ के वेतन के हिसाब से एक न्यूनतम फीस तय की जाए जिससे स्कूलों और अभिभावकों पर किसी पर भी वर्तमान हालत में अतिरिक्त आर्थिक दबाव न बने।